मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। कसुमती से विधायक अनिरुद्ध सिंह को पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। विभाग मिलने के बाद वीरवार को अनिरुद्ध सिंह कार्यभार संभालने सचिवालय पहुंचे। सचिवालय के बाहर ही समर्थकों ने उनका फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया, जिसके बाद कमरा नंबर 321 में पूजा अर्चना करने के बाद कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेवारी के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पहली बार कसुमती को मंत्री मिला है और ये सौभाग्य कसुमती की जनता ने उन्हें दिया है और कसुमती क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेवारी उन्हें दी गई है और प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में आता है और काफ़ी ज़्यादा फंडिंग भी केंद्र से विकास कार्यों के लिए मिलती है। इस विभाग में काम करने के लिए बहुत है और निष्ठा से विभाग में काम करेंगे। विभागों में किस तरह से काम होगा इसके लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा और जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक कर काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी कार्यों के लिए समय सीमा तय की जाएगी और किसी भी तरह का ढुलमुल रवैया सहन नहीं किया जाएगा। सभी विभागों में टारगेट तय होंगे। वहीं इस दौरान भाजपा पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया। प्रदेश पर 75,000 करोड़ का कर्ज हो गया है, लेकिन प्रदेश में विकास कार्यों को रुकने नहीं दिया जाएगा। 13 जनवरी को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें ओपीएस बहाली की जाएगी। साथ ही कांग्रेस ने जो 10 गारंटियां दी है उन्हें भी पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने मुझे इतना महत्वपूर्ण विभाग जो है दिया, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज। इसी से हम उत्पन्न हुए हैं। पहला मेरा 2005 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, तब से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हैं। और मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा फंडिंग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में डायरेक्ट सेंटर से जो है वो होती है, और बहुत बड़ा विभाग है, काम करने के लिए बहुत है, और अपनी जिम्मेवारी जो है ईमानदारी और निष्ठा से हम लोग पूरी निभाएंगे। प्रदेश में आज सबसे ज़्यादा कमी जिसको बोल सकते हैं, भाजपा सरकार द्वारा, पिछली सरकार द्वारा 75,000 करोड़ रुपए जो कर्ज छोड़ के गए हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है। पर ग्रामीण क्षेत्र की, रूरल डेवलपमेंट की मैं बात करूँगा, इसमें जो है फंडिंग डायरेक्ट है, फॉरेन फंडिंग्स भी इसमें शामिल होती है। हम लोग प्रोजेक्ट जो है बाहर से लेके आएंगे और जनहित के कार्य में बहुत, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। जिसने काम करना है उसके लिए कोई कमी नहीं है, मैं समझता हूँ। कांग्रेस ने गारंटी दी है 5 लाख रोजगार की, और वो कल कैबिनेट है, हम लोग ओपीएस लेके आ रहे हैं, और जो भी गारंटीज़ हमारी हैं, चाहे वो 1500 रुपये वाली हैं, चाहे वो 300 यूनिट बिजली फ्री वाली हैं, चाहे रोज़गार की हैं, इसको प्रमुखता से जल्द ही जो है लोगों के सामने और लोगों के बेनिफिट के लिए ये जो सभी गारंटीज़ है इसको लागू किया जाएगा। देखिए, सभी को ये उम्मीद थी, और पिछले मैं समझता हूँ 18 साल से इस उम्मीद में हमारे को समर्थन और साथ हमारे बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, सभी दे रहे थे कि एक ना एक दिन ज़रूर कसुमती को
कैबिनेट का दर्जा मिलेगा और मैं खुशनसीब भी हूँ और अपने कसुमती के परिवार का भी बहुत धन्यवादी हूँ। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद पहला कैबिनेट मिनिस्टर कसुमती विधानसभा क्षेत्र से जो है मुझे बनने का सौभाग्य मिला है। और मैं सोनिया गांधी जी का, प्रियंका जी का, राहुल जी का, राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब का, हमारे इंचार्ज शुक्ला जी हैं, भंवर जितेंद्र सिंह जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं, बघेल साहब मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ हैं, सभी का मैं और सबसे बड़ा धन्यवाद तो हमारी जो परिवार है कसुमटी का इतना बड़ा, उनका भी धन्यवादी हूँ कि मुझे मौका मिला। आज़ादी के बाद आज तक पहला ही कैबिनेट मिनिस्टर जो है यहाँ से हम बने हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एनजीओस के थ्रू और कई बहुत हज़ारों स्कीमें जो है मेरे पास पूरा खाका तैयार है कि हम लोग कैसे फंडिंग जो है यहाँ पे ला सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और अनेक अनेक चीज़ों के लिए है, चाहे वो क्लीनलीनेस है उसके लिए हमारे हमारे पास फंडिंग आती है, सड़कों के लिए आएगी, पीएमजीएसवाई जो है वो रूरल डेवलपमेंट के तहत है, हज़ारों स्कीमें जो हैं जो आज तक जो है यहाँ पे आई नहीं है। मेरे पास पूरा खाका तैयार है, रोड मैप पूरा तैयार है, बस इम्प्लीमेंट करना है। ऑफिसर्स की मैं मीटिंग जल्द ही लूँगा रूरल डेवलपमेंट के और पंचायती राज के, जल्द ही लेके इसको हम आली जमा पहनाएंगे। और टाइम बाउंड पीरियड में जो है मैं चाहूँ लक्ष्य एक बांधना चाहिए, खुद का टारगेट होना चाहिए कि इतने समय में काम होना चाहिए। ढील रवैया जो है वो अब नहीं चलने वाला है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है, उन्होंने भी टारगेटेड काम जो है सबको टारगेटेड काम दिए हैं, और इसकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो भी माननीय मुख्यमंत्री हर 6 महीने बाद लेंगे।